हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यह वीडियो लेकर आया हूँ रेडमी नोट 4 के लिए, क्योंकि इसमें नया अपडेट आ चुका है। जो पहले तो 6.1 था, 9.6.1, लेकिन अब यह नया अपडेट आ चुका है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए, जो मॉडल नंबर है रेडमी नोट 4, एंड्रॉयड वर्जन 7.0 नोगट, और एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल है 1.5.2018, और MIUI वर्जन आप देख सकते हैं 9.6.1। और जो नया अपडेट आया हुआ है वह है MIUI 9.6.2, और इसका साइज़ है 117 MB का। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ऑप्टिमाइजेशन दिया गया है, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव्ड सिस्टम स्टेबिलिटी, और कुछ बग्स भी फिक्स किए गए हैं, फिक्स अपडेट एंड्रॉयड पैच और फिक्स्ड सम बग्स। तो मैं इसे डाउनलोड करता हूँ, तो मेरी डाउनलोडिंग चालू हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये डाउनलोड हो रहा है मेरा अपडेट, तो मेरा अपडेट डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसे रिबूट करता हूँ, देखते हैं इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं या इसकी स्टेबिलिटी कैसी है। तो रिबूट कर रहे हैं हम फ़ोन को, तो आप देख सकते हैं फ़ोन बूट हो रहा है। इसे इंस्टॉल होने में हालांकि 5 से 10 मिनट लग सकते हैं, सो काफ़ी वेट करना पड़ता है, और इसे बूट होने में भी काफ़ी समय लग जाता है, जो 2 से 5 मिनट लग जाते हैं। तो मेरा फ़ोन आप देख सकते हैं अपडेट हो रहा है, Redmi Note 4। ये देखिए, अब बूट हो रहा है। मैंने वैसे बीच का हटा दिया वीडियो, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए आप देख सकते हैं बूट हो रहा है। अब लीजिए, मेरा अपडेट हो चुका है कंप्लीट, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वर्जन आपको। ये देखिए, अबाउट फ़ोन पे ये मॉडल नंबर रेडमी नोट 4 एंड्रॉयड वर्जन, और एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल जो 1.5.2018 था वो 1.7.2018 हो गया है, और MIUI वर्जन 9.6.2 हो गया है, आप देख सकते हैं। वैसे मेरा यह नोट 4 तो 4 GB रैम वाला है और 64 GB स्टोरेज वाला, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, नो अपडेट दिखा रहा है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि पिछले अपडेट में आपको मतलब क्या क्या फिक्स किया गया था या क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए थे, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसा चल रहा है फ़ोन, ये देखिए, वैसे फास्ट चल रहा है,